हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का देसी रसोई हेमंत की में। आज हम बनाने जा रहे हैं आम की लौंजी, जिसे आम की सब्जी भी कहते हैं। ये कच्ची आम की बनती है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब होती है। इसकी रेसिपी बिल्कुल ही आसान है। चलिए बनाते हैं आम की लौंजी। उसके लिए ये मैंने दो कच्ची आम भी, ये देखिए, और लिया है गुड़। एक कटोरी गुड़ है मेरे पास, छोटी कटोरी। आधी चम्मच मेथी है, एक चम्मच सौंफ है, और ये मस्टर्ड ऑयल है आधी कटोरी। इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। उसके बाद ये में थोड़े देसी मसाले, जीरा, सूखा धनिया पिसा हुआ, हल्दी, लाल मिर्च और नमक। चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम आंबी को छील लेंगे। इसको आंबी को हम छीलेंगे। ऐसे कच्ची आंबी भी छील लेनी है हमको। ये देखिए कच्ची आंबी मैंने छील ली है। इसको हम ऐसे करके टुकड़े काट लेंगे कच्ची आंबी के। दूसरी वाली आम भी छील लेंगे अपनी। हमने दूसरी आम भी छील ली है, इसको भी काट लेंगे इसी में। हमारी छिल गई जो आम की, उसको पहले हम गैस जलाएंगे अपनी। इसमें तेल डालेंगे और गर्म होने देंगे। देखिए हमने तेल डाल दिया इसमें, सरसों का तेल। सरसों के तेल में बहुत ही अच्छी लगती है मस्टर्ड ऑयल में। अब तेल को गर्म होने देंगे हम। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। इसमें सबसे पहले जीरा डालेंगे आधी चम्मच। आधी चम्मच जीरा डाल रहा हूँ और आधी चम्मच ही मेथी ले रखी है मैंने। इसमें डालेंगे, इसको चलाएंगे। इसको भूनने दें इसको। जीरा हमारा भुन रहा है, देखिए तेल गर्म हो चुका है। और इसमें सौंफ डालेंगे एक चम्मच। और इसमें आलू भी डाल देंगे हम। इसको भूनेंगे आलू को। देखिए आमी को जब तक भूनेंगे, जब तक गल ना जाए आमी। मीडियम कर देंगे अपनी गैस और इसको 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। देखिए हमारी अच्छी तरह आमी फ्राई हो गई है, बन भी चुकी है और गल भी चुकी है। देखिए इसको हम चला के देख लेंगे गली की नहीं गली है। देखो आमी अच्छी तरह हमारी गल गई है। और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे मसाले अपने। सबसे पहले नमक डालेंगे एक चम्मच। इसमें हम आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। थोड़े मैं से चटपटी बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा नमक भी तेज़ी डालूंगा। एक चम्मच नमक डाल रहा हूँ मैं इसमें, और एक चम्मच ही लाली मिर्ची डालूंगा मैं इसमें, और आधी चम्मच डालेंगे हल्दी, और आधी चम्मच सूखा धनिया। इसको थोड़ा भूनेंगे। ये देखिए कितना अच्छी हो गई, कितना अच्छा कलर आ रहा है। देखिए इसको मसाले को अच्छी तरह भून देंगे। देखिए ये देखिए अब ये देखिए मसाला हमारा भून गया अच्छी तरह। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। थोड़ा पानी डाल के चलाएंगे इसको, देखेंगे पानी कैसा है। देखिए
थोड़ा पानी और डालेंगे इसमें, एक कटोरा पानी डाल रहा हूँ इसमें, एक कटोरा भी। ये हमारी खट्टी मीठी आम की सब्जी, आम की लौंजी तैयार होने वाली है। और इसमें उबाल आ गया पानी में, ये गुड़ मैंने लिया है कटोरी गुड़, इसको मैंने कूट लिया है, आप इसको कूट लिया अच्छी तरह। और इसमें डालें गुड़ को देखिए, और गैस को अपनी मंद कर दे और इसको चला दे। दो से तीन मिनट में ये गुड़ अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएगा, आंधी में घुल जाएगा। गैस को मंदी रखें और दो तीन मिनट के लिए इसे छोड़ दें। ऐसी देखिए तीन से चार मिनट हो गए और हमारी आम की सब्जी, आम की लौंजी तैयार हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, कितना बढ़िया कलर आ रहा है सब इसका। और इसको हम डालेंगे, पहले गैस को अपने कर देंगे बंद। ये देखिए इसको कटोरी में डालेंगे, हम सर्व करके दिखाएंगे कैसी बनी है। देखिए मेथी, सौंफ, जीरा, इसका जो ये फ्लेवर है बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए ये है हमारी आम की लौंजी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं और से और ज़्यादा रेसिपी आप लोगों के लिए बना सकूं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और बताते रहें कि मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। धन्यवाद।